नमस्कार, सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनमोल कुमार। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज के हेडलाइंस के साथ। केदारनाथ धाम में बंद हुए वीआईपी दर्शन व्यवस्था, लगातार बढ़ती भीड़ के चलते लिया गया फैसला। केदारनाथ धाम में अब तीर्थ पुरोहितों को रहने के लिए दिया जाएगा आवास, धाम परिसर में दुकानों के ऊपर तैयार किए जाएंगे मकान। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या में हुआ भारी इजाफा, अब एक दिन में 5 से 6 लाख लोग पहुंच रहे हैं धाम। और अयोध्या के मठ मंदिरों और धर्मशालाओं को नहीं देना होगा नगर निगम टैक्स, व्यवसायिक इस्तेमाल न करने वाले मठ मंदिरों को ही मिलेगी छूट। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में सबसे पहले बात केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम में लाइन में लग चुके श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर मंदिर के कपाट तब तक खुले रखे जाएंगे जब तक कि अंतिम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर लेता, फिर भले ही तय अवधि से अधिक समय तक मंदिर के कपाट खुले रखने पड़े। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों को घर दिए जाने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए धाम में स्थित दुकानों को 2 मंजिला बनाए जाने की योजना है ताकि दूसरी मंजिल पर पुरोहितों पुजारियों के लिए आवास की व्यवस्था की जा सके। तीर्थ पुरोहितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। इस हेलीकॉप्टर सेवा के शुरू होने से श्रद्धालुओं को धाम पहुंचने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इतना ही नहीं, यात्रियों को हरिद्वार में फोटोमेट्रिक पंजीकरण की भी सुविधा मिलेगी ताकि पंजीकरण के लिए उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद एक दिन में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ 5 से 6 लाख तक पहुँच गई है। अगर इस संख्या की तुलना कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले से करें तो ये लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो वहीं अब धाम में जल्द ही शादी विवाह जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। परिसर में स्थित दोनों मल्टीपर्पज हॉल को बेहद कम शुल्क पर ऐसे कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किराया भी तय कर लिया गया है। अयोध्या में अब मठ मंदिरों और धर्मशालाओं को नगर निगम टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अब टैक्स के बदले उनसे टोकन मनी ली जाएगी जो 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक होगा। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि इस दायरे में वही मठ मंदिर और धर्मशालाएं आएंगी जिनके परिसर का व्यावसायिक प्रयोग नहीं हो रहा है। अब जल मार्ग के जरिए सैलानी और श्रद्धालु काशी से प्रयाग जा सकेंगे। अब उन्हें क्रूज के जरिए धर्म यात्रा कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए क्रूज सेवा को वाराणसी से मिर्जापुर होते हुए प्रयागराज तक ले जाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग अंतिम प्रारूप तैयार कर रहा है। इस व्यवस्था के शुरू हो जाने के बाद यहां पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को भी आसानी हो जाएगी। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।